पढ़ाई में नहीं था मन, अपनी दुनिया कंप्यूटर में चुनी और आज है करोड़ों का मालिक। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप उस रट्टू तोता पढ़ाई को छोड़कर आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो सके। वैसे भी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई जीवन में कभी काम नहीं आती। आपने बचपन में एक कहावत तो सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये कहावत हर माता पिता अपने बच्चे को कहता है, क्योंकि पढ़ाई से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और जीवन में मुकाम हासिल करता है। लेकिन मुंबई के एक लड़के ने इस कहावत को ही उल्टा कर दिया, तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखलाना। मुंबई के रहने वाले त्रिशित अरोड़ा का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिससे उसका पूरा परिवार परेशान रहता था, लेकिन उसकी रुचि ही उसकी सफलता बनी और आज वो महज 23 साल की उम्र में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन चुके हैं। वुमेन ऑफ बॉम्बे के फेसबुक पेज पर उनकी इंस्पायरल स्टोरी शेयर हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भी अपना मुकाम हासिल किया। बचपन में खेला करते थे गेम। त्रिशित अरोड़ा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर में रुचि थी। वो हर रोज वीडियो गेम खेला करते थे। देर तक कंप्यूटर में बैठने पर उनके पिताजी को काफी टेंशन हुआ करती थी। वो हर रोज कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज किया करते थे, लेकिन त्रिशित हर रोज पासवर्ड क्रैक कर दिया करते थे। लेकिन इस चीज को देखकर उनके पिता भी काफी प्रभावित हुए और नया कंप्यूटर लाकर दे दिया। एक वक्त ऐसा आया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। आपके सामने जो इमेज आ रही है, ये त्रिशित के ही विचार हैं। वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना। वीडियो का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। एक दिन त्रिशित की स्कूल प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को स्कूल बुलाकर कहा कि उनका बच्चा 8वीं में फेल हो गया है। जिसके बाद उनके माता पिता ने पूछा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कंप्यूटर में ही अपना करियर बनाएंगे। जिसके बाद पिता के कहने पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कंप्यूटर की बारीकियां सीखने लगे। अभी सवाल अपने आप से कीजिए कि अगर आप किसी क्लास में फेल हो जाएं तो क्या आपके पिताजी स्कूल छोड़ने को कहेंगे। लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े फैसले भी होने चाहिए। और महज 19 साल की उम्र में वो कंप्यूटर फिक्सिंग और सॉफ्टवेयर क्लीनिंग करना सीख गए थे। इसके बाद वो छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। उनको पहला चेक 60,000 रुपए का मिला था। इसके बाद उन्होंने पैसे को बचाकर खुद की कंपनी में खर्च करने का सोचा और आज जिसका नाम TS सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। 8वीं फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल से दूरी बना ली थी, लेकिन 12वीं डिस्टेंस एजुकेशन से की और BCA कंप्लीट किया, लेकिन उससे पहले ही सफलता का मुकाम हासिल कर चुके थे। रिलायंस भी है इनका क्लाइंट। जब त्रिशित अरोड़ा 21 साल के थे तो उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। त्रिशित अब रिलायंस, CBI, पंजाब पुलिस, A1 साइकिल जैसी कंपनियों को साइबर से जुड़ी सर्विस दे रहे हैं। वो हैकिंग पर किताबें भी लिख चुके हैं, जैसे पहली हैकिंग टॉक विद त्रिशित अरोड़ा, दूसरी दी हैकिंग एरा और तीसरी हैकिंग विद स्मार्टफोन्स जैसी किताबें उन्होंने लिखी हैं। भारत में 4 और दुबई में 1 ऑफिस। यदि उनकी माने तो भारत में उनकी कंपनियों के 4 ऑफिस हैं और दुबई में 1 ऑफिस है। करीब 40% क्लाइंट तो सिर्फ इन्हीं ऑफिस से डील करते हैं। दुनिया भर में 50 फॉर्चून और 500 कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। त्रिशित का सपना है कि वो $1 बिलियन की सिक्योरिटी कंपनी खड़ी करें। अगर फोर्ब्स की माने तो भारत के अलावा TS कंपनी दुबई से भी काम करती है। शुरुआती दावों के अनुसार डोमेस्टिक मार्केट और मिडल ईस्ट से 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित किया है। तो ज्यादा मत सोचिए, अब आपके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आपको पता भी है, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। जितना जल्दी टेक्नोलॉजी से आप जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आप सफलता पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, आज ही शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।